एवरीवन, ज्योति ड्रीम चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने पहना है नेट कलर की साड़ी और पिंक कलर का ब्लाउज। ये रेडीमेड ब्लाउज है, मैंने इसका ब्लाउज स्टिच नहीं करवाया था क्योंकि प्लीट्स अच्छी है, इसलिए मैंने इसका ब्लाउज नहीं सिलवाया। और ये है रेडीमेड ब्लाउज और मैंने एक हाथ में ब्रेसलेट पहना है और एक हाथ में चूड़ियां पहनी है, आप देख सकते हो। और अभी आपको मेरे चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे, तो जो पहली बार आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये मेरे दो क्यूट क्यूट से बच्चे रेडी हो गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ विट्ठलवाड़ी ब्रांच में, वहाँ पे है आज फंक्शन, न्यू ईयर का फंक्शन है, तो हम सब बच्चे पूरी पलटन के साथ में जा रहे हैं विट्ठलवाड़ी ब्रांच। और अरे मेरी बिंदी निकल गई यार, कोई बात नहीं, अभी वेदू को थोड़ा सा तैयार करना बाकी है। और आज मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो शूट करने वाली हूँ। मुझे थोड़ी सी सर्दी भी हो गई है और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है गाइस, बस सिर्फ चाय और दो तीन बिस्किट खाई है। सुन रहे हो क्या? तो चाय मेरे घर में पीना मना है, लेकिन फिर भी मैं पी लेती हूँ, मेरी आदत हो गई है चाय पीने की। सो गाइस, बातें ज्यादा नहीं करते हैं और चलते हैं किचन में। आज मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया था, लेकिन लाइट। सो गाइस, मैंने बहुत कुछ बनाने की कोशिश की थी लेकिन बन नहीं पाया, क्योंकि अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, तो वहाँ से आने के बाद सारा कुछ रेडी करेंगे। यहाँ पे सारा कुछ पेस्ट, आलू आटा है, ये आलू का पेस्ट बना के सब मैंने रख दिया है आने के बाद, नहीं वहाँ पे है ना सब। और ये चटनी मैंने बनाई थी, तो सोचा था आलू का पराठा और सोयाबीन की सब्जी सब भिगा हुआ के रखी हूँ, आने के बाद बनाऊंगी। आज मुझे जाना है एक्चुअली थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए भी, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, मैं आपको सारा कुछ दिखाने वाली हूँ, सब कुछ बताने वाली हूँ कैसा हुआ। तो गाइस, यहाँ पे मैं सारा कुछ निपटा के अब निकल जाऊंगी, क्योंकि विट्ठलवाड़ी थोड़ा सा दूर है, 15 मिनट लगेगा मुझे, तो मैं यहाँ से पे अपना जो है बैग वगैरह तैयार कर ली हूँ, अपना जो भी बच्चों का सामान होता है, पानी का बॉटल होता है, वो सारा कुछ मैंने ले लिया है। अब मैं और सर निकलेंगे विट्ठलवाड़ी के लिए। तो विट्ठलवाड़ी हम लोग पहुंच गए हैं और ये रहा हमारा विट्ठलवाड़ी ब्रांच, आप देख सकते हो बाहर से कुछ इस तरीके से है। करियर ज्योति एजुकेशन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, यहाँ पे सारा कोर्स है सिखाया जाता है, टाइपिंग हो गया, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर, जितने भी कोर्सेस होते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, वो सारा कुछ हर ब्रांच में सिखाया जाता है, तो सब ब्रांच के अलग अलग सर हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ पर जो है शिवांगी पहले से ही आ गई थी, राम और शिवांगी, श्वेता नहीं आई थी, श्वेता का कुछ तबीयत ठीक नहीं था, तो भैया आए थे सिर्फ, और देवा आया था और बाकी सब लोग आए थे। तो यहाँ पे काव्या ने अपनी कुर्सी जमा ली है, वो बैठ गई है, और यहाँ पे सब लोग अपना अपना सीट देख रहे हैं। यहाँ पे सृजन सर का बातें चालू था, सृजन सर बच्चों को नए साल पे बहुत सारा मोटिवेट कर रहे थे, उनको आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारा कुछ वो बता रहे थे। तो उसके बाद जो है पहले सृजन सर मोटिवेट करेंगे बच्चों को, फिर उसके बाद, क्योंकि जो सर होते हैं वो अगर कुछ बातें बच्चों को बताते हैं तो वो बच्चों के दिमाग में जल्दी घुसता है, उनको ज़्यादा फिर अच्छा लगता है। और ऐसे ही सचिन सर भी बताएंगे और नागेंद्र सर भी बताएंगे। तो ये ब्रांच के जो सर हैं वो नागेंद्र सर हैं विट्ठलवाड़ी के, और ये वाले सर अंबरनाथ ब्रांच के हैं, और उल्लासनगर 3 नंबर में भी इनका ब्रांच है। तो सब लोग देखते हैं और हमारा पूरा टीम वर्क होता है, तो जब कभी कोई भी ब्रांच में कुछ भी फंक्शन होता है तो सब लोग जाते हैं और बच्चों को बहुत डिफरेंट डिफरेंट बातें बताते हैं कि उनको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, इंटरव्यू की तैयारी कैसी करनी चाहिए, आज के समय में कितना अपडेट होना ज़रूरी है, कितना स्किल होना ज़रूरी है, ये सारा कुछ, और जो कुछ भी नया नया कोर्सेस आया रहता है उसके बारे में बताते हैं कि आपको सीखना चाहिए और आप सीख के एक अच्छे पोस्ट पर हो। आपके दिमाग में चलती है, आप अपने मम्मी को कोई बात समझाओ कंप्यूटर की बात, कितनी जल्दी समझ में आएगी।
लिखने वाले का संभव आप सुन के पता नहीं चला, इसके बाद आपका मेरा मुलाकात होगा नहीं होगा। लेकिन एक बार मुझे एक स्टूडेंट मिली, मैं कंपनी में गया अपने स्टाफ को ट्रेनिंग के लिए बुलाया, स्टाफ है मेरे कंपनी का, मैं गया वहाँ पे तो मैंने पूछा कि आप लोग कहाँ से कहाँ पे किए थे कंप्यूटर को, कहाँ की हो गया अपनापन। देखो अपनापन आ गया, मैं तो मेरे ही बच्चे लोग हैं, मैं तो जानता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने बोल दिया देरी हो गई एजुकेशन, फिर मैंने उनको हर एक बातें सिखाई, उनको बताया मेरा नंबर दे दो, आप इस कंपनी में काम करो, कभी प्रॉब्लम आया कभी भी प्रॉब्लम आया तो मेरे को कॉल करना, मैं तो बताऊंगा। और उन लोगों को मैंने पूरा सिखाया, सिखाने से उनसे पैसा नहीं ले रहा था मैं, क्योंकि मुझे तो कंपनी पैसा दे रही थी, तो मैंने उनको पूरा ट्रेनिंग दिया, उनको प्रॉपरली पूरा सिखाया, और सीखने के बाद वो लोग अच्छा खासा काम किए, और इसके बाद उनका जब एक्सपीरियंस बढ़ गया तो फिर वहाँ पर दूसरा कोई आया, फिर मैं वहाँ पर दूसरे को गाइज। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसका जो इनविटेशन कार्ड है हमारे क्लास में आया हुआ था, तो सर ने राम के बारे में और अयोध्या में जितने भी लोग थे वहाँ पे, मतलब एक बार पूरा जैसे होता ना राम युग ही चलने लगा, तो सर ने बच्चों को वो सब के बारे में भी बताया कि हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म क्या है, और राम मंदिर बन रहा है तो उसके उपलक्ष्य में सर ने बहुत ही प्यारा सा गीत भी गाया, तो चलिए सुनते हैं उसको भी। और उसके बाद मैं अपने राज्य में वापस आ गया, कुछ दिन बिता राज्य में, पिता ने मैं तो बोल हो गया हूँ अपने बच्चों को, ताकि जहाँ राज्य को संभाल, क्योंकि अब जब आपको पढ़ाई पूरी हो जाती है तो अगला काम क्या होता है, जॉब की बारी आती है ना, वैसे उन्होंने बोला मैं इसको कुछ तो काम दे दे, मैं काम हो गए अपना देश हम बनवासी हो गए, छूटा अपना देश हम बनवासी हो गए। जब भगवान वन में चले जाते हैं उसके बाद जब भरत जी आते हैं और देखते हैं मेरा भाई तो रही नहीं, और वो खोजने लगते हैं जंगलों में जाते हैं उनको खोजने के लिए, ठीक है, और क्या सोचते हुए जाते हैं भैया लक्ष्मण और जानकी 14 बरस ले आएंगे, भैया लक्ष्मण और जानकी 14 बरस ले आएंगे, वन में रहकर सब दुख सहकर अपना समय बिताएंगे, वन में रहकर सब दुख सहकर अपना समय बिताएंगे, धरा फकीरी भेष हम बन वासी हो गए, छूटा अपना देश हम वनवासी हो गए, हमको मिलाया देश हम वनवासी हो गए, छूटा अपना देश हम वनवासी हो गए। जब भरत जी गए वहाँ पे मिले भगवान राम से, फिर भगवान राम जी ने क्या बोला कि आप लोग अपने देश को वापस जाओ, अपने राज्य को वापस जाओ और संभालो, ठीक है, कि जो है अब मैं को अभी पिता करिए जो भी एजुकेशन का ज्ञान देते हैं, भगवान भगवान बच्चे करिए जो भी एजुकेशन के जवान हैं, और ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। ठुमक ठुमक जब ही चले टूटी चवी, छम छमा पहली बजे बजे रे बजे बजे, चूड़ी चनहरा लाल 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 चूड़ी, चिनरी तेरी आए हाय चिनरी तेरी चमकीनी गुलाबी। तो यहाँ पे काव्य का डांस हो रहा है, उसके बाद मैं भी थोड़ा सा करूँगी ठुमक ठुमक जब हिट।
सो गाइज यहाँ पे अभी सारा जो भी बातें वगैरह थी बच्चों के लिए शुभ संकल्प था वो सारा कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे आया है 2 केक और अभी कटिंग होगा, सब बच्चों को खिलाया जाएगा। तो नए साल पे आप लोग बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाए, बहुत ऊंचाइयों को छुए, यही हम टीचर्स का, सर का आपके लिए संदेश है। प्लीज़ आप लोग बहुत आगे बढ़े, जिसको जो पसंद है उस फील्ड में आगे जाएं और हमारे देश का नाम रोशन करें, हमारे क्लास का नाम रोशन करें, ऐसा हम लोग आपके लिए चाहते हैं। तो यहाँ पे सब लोग मिल के बस केक कटिंग करने वाले हैं। काव्या और बच्चों का तो सबका ध्यान केक पर ही था, कब कटे कब हम लोग को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं, अभी केक कटिंग हो रहा है। ये एक्चुअली अगर आप यहाँ कहीं पे भी रहते हैं, आपके नियर बाय विठलवाड़ी है, तो आप यहाँ पे ब्रांच में ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे तो अंबरनाथ में 3 नंबर में, उल्हासनगर 4 नंबर में भी हमारा ब्रांच है, तो जो जिस जगह का नियर बाय है वो वहाँ पे आके ज्वाइन कर सकता है। बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया जाता है, ऐसा नहीं है कि हमने बस कोर्स ले लिया 6 महीने का, 1 महीने का, तो बस उतने में ही हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया। जी नहीं, हमारा जो रिश्ता है वो हमेशा के लिए हो जाता है। कभी भी जो चीज़ आपने सीखा है अगर उसका कोई लेटेस्ट वर्जन आता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों के लिए थोड़ा स्नैक्स वगैरह भी रखा गया था। तो केक कटिंग होने के बाद, सबको खिलाने के बाद जो है फिर बच्चों को सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बच्चे लोग आज जो है आज का पूरा दिन एंजॉय करने वाले हैं, डांस वगैरह होगा, गीत वगैरह होगा, बहुत कुछ होने वाला है गाइज। तो ये हैं विठलवाड़ी ब्रांच के सर, और जो यहाँ पर बैठे हैं वो हैं अंबरनाथ ब्रांच के, और ये 2 ब्रांच संभालते हैं, और जो सचिन सर हैं वो स्कूल और 4 नंबर का ब्रांच देखते हैं। तो ऐसे ही सारा कुछ हमारा टीम वर्क रहता है। और तो यहाँ पे शिवांगी है, राम है, और मेरे बच्चे भी हैं, सब लोग हैं। तो वीडियो को एंजॉय कीजिए, और वीडियो में पहली बार आया है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को आपने एंजॉय किया पूरे शुरू से लेकर लास्ट देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइज, लव यू लॉट।